हेलो टेंथ क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आज आप पीटीएम से घर गए हैं, सो आई होप आप सब सेटिस्फैक्टरीली अपने घर पर बैठे हैं। हैव अ वेरी गुड डे। सो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन पॉलिटिकल साइंस टुडे। हमने लास्ट चैप्टर हिस्ट्री में खत्म कर लिया है, नेशनलिज्म इन यूरोप। मंडे टेस्ट जो आपका हुआ उसकी सोल्यूशन की वीडियो भी आज आपको मिलेगी। आप लोगों में से कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 20 out of 20। इफ यू हैव नॉट चीटेड द रिजल्ट इज टू गुड। आपको मतलब अच्छे से चैप्टर समझ में आया है। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत लो हैं, वो सारी वीडियोस रिपीटेडली देखेंगे और चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे। और ये वही बच्चे हैं जिनके मार्क्स लो हैं, जो डाउट क्लास में नहीं आते। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू विल कम इन द डाउट क्लास। ओके, सो हिस्ट्री खत्म करने के बाद हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर नहीं ले रहे हैं, इट माइट टर्न बोरिंग टू यू। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर ले रहे हैं। थर्ड चैप्टर तक हम पॉलिटिकल साइंस में कर चुके थे, एंड अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो है थर्ड चैप्टर, दैट हैज बीन डिलीटेड बाय द सीबीएसई फ्रॉम द सिलेबस। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपको नहीं पढ़ना है, आपको पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपकी डेली लाइफ से एज अ सिटीजन यू शुड नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज आप अपनी बुक खोल के जब बैठेंगे पढ़ने वीडियो के बाद, सो वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 6, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? बेसिक एजेंडा इफ वी टर्न आउट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे 100% पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लिटरेट या बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। आप किसी से पूछने जाओ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, या अगर आप किसी से ये इंक्वायर करने जाओ दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आपको क्या लगता है कितने लोग जवाब दे पाएंगे? हार्डली 40%। जिनको सब पता होगा व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक, व्हाट राइट्स यू हैव। लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? पॉलिटिकल पार्टीज। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट वी आर वॉचिंग इन द डेली सिनेरियो, हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड चलता है, डेमोक्रेसी का मतलब पॉलिटिकल पार्टी। जहां जाओगे पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है। गांव में आप जाओ, कभी भी चार लोगों के ग्रुप में बैठो, कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, कोई फेवर कर रहा होता है, बट कभी कोई ये बात नहीं करता है, ओ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में ये लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज ये है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये होता है, नीति आयोग ये होता है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती देखी है? नहीं होती है। कभी आपने बेसिक इकोनॉमी के डाटा डिस्कस करते देखा है? नहीं होता है। क्या डिस्कस होती है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज। सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। हमारे लिए पूरी पॉलिटिक्स, पूरा राजतंत्र, पूरा लोकतंत्र सब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो ऐसी कंट्री जहां पे पॉलिटिकल पार्टी से ही रिलेटेड है सारी गवर्नेंस, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर जगह जब आप देखते हो विजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि हर जगह वही डिस्कस हो रही हैं, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिस्कस हो रहे हैं, क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है विजिबिलिटी का मतलब पॉपुलैरिटी होता है? क्या विजिबिलिटी का मतलब, विजिबिलिटी मतलब हर जगह हमें वही दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही बोलबाला, उनका ही डिस्कशन, ये सब हम देख रहे हैं, बट क्या विजिबिलिटी हमेशा पॉपुलैरिटी होती है? पॉपुलैरिटी मतलब अच्छे कामों में नाम गिनना, ठीक है, नाइस पॉपुलैरिटी। क्या हमेशा विजिबिलिटी पॉपुलैरिटी होती है? नहीं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को। क्रिटिसाइज करने का मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें कमी निकाल के अपने पॉइंट्स रखना, दैट इज क्रिटिसाइजिंग। किसी में भी जब हम फॉल्ट्स निकालते हैं उसे बोला जाता है क्रिटिसाइजिंग।
सो विजिबिलिटी इज नॉट ऑलवेज पॉपुलैरिटी. हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की विजिबिलिटी होना ये मतलब नहीं है कि उनकी पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत से लोग अगेंस्ट भी होते हैं पॉपुलैरिटी के. बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिक्स के ही अगेंस्ट हैं. आप कभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे मानते होंगे, आप लोग घर में सुनते भी होंगे, राजनीति का मतलब गंदी चीज, राजनीति तो है ही खराब, राजनीति में जाते ही सब खराब हो जाते हैं. क्या ये सही कॉन्सेप्ट है? नहीं. एवरी टाइम वी नीड पॉलिटिक्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश को चलाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हमें पॉलिटिक्स की जरूरत तो है. विदाउट पॉलिटिक्स वी कैन नॉट रन अ नेशन. इंडिया की ही बात सोचो आप. आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात. इंडिया की बात सोचो. वी हैव 130 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, 130 करोड़ पीपल है हमारे. अब मुझे एक बात बताओ कि इतने लोगों का कभी एक कॉमन डिसीजन हो सकता था अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, पॉलिटिक्स नहीं होती? नहीं हो सकता था. इतने लोगों के वेलफेयर के लिए कॉमन स्कीम या पॉलिसी बन सकती थी अगर पॉलिटिक्स नहीं होती? नहीं हो सकता. सो वी नीड पॉलिटिक्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री. सो पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट. बट हमने क्या देखा था, जब पॉलिटिक्स सोशल डिविजन करने लगती है, समाज को बांटने लगती है, तब पॉलिटिक्स लोगों को खराब लगने लगती है. तो कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही देखने लग गए हैं कि ये पॉलिटिकल डिवीजन करें, तो वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं. सो विजिबिलिटी इज नॉट ऑलवेज पॉपुलैरिटी. ये समझ में आया? इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री वेयर पीपल एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इन सबके बारे में सबको नहीं पता है. एवरीवन इज नॉट अवेयर. इतने पढ़े लिखे नहीं है लोग. तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो गवर्नेंस हो ही नहीं पाएगी. सबको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही पता है. दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. सेकेंड कॉन्सेप्ट, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? अब पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलो चैप्टर स्टार्ट हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज, सो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. ध्यान से सुनना. अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड द पावर इन गवर्नमेंट इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी. कुछ लोगों का संगठन जब वो साथ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन लड़के जीत के सरकार बनाने के लिए, उस ग्रुप को बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टी. अगेन आई एम रिपीटिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट आर नोन एज पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. कुछ लोग जब साथ आते हैं, अब आप देखोगे कि कुछ लोगों का क्या मतलब है, लीडर्स भी आते हैं, सपोर्टर्स भी आते हैं, एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं. तो जब कुछ लोग एक सोच के मिल जाएं और वो लोग एक प्रिंसिपल पे काम करना चाहें और बोले कि हम लोग मिलके कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन सब जगह पे और जीत के गवर्नमेंट बनाएंगे, उन्हें क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू. अब एग्जाम्पल से बताती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट में मैंने देखा आप लोग पेपर में बहुत गलत करते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो ये डिफरेंट ग्रुप है लोगों का. अब बोलोगे तीन ही लोग हैं, तीन से काम चला लो अभी के लिए. अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये डिफरेंट है, लेकिन अब इन्हें पावर चाहिए देश चलाने के लिए, गवर्नमेंट में आना है इन्हें. सो अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे कम टुगेदर, जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप बना ले इलेक्शन लड़ने के लिए, किस पर्पस के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए और पावर लेने के लिए गवर्नमेंट में, उन्हें क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व्स पार्टिसनशिप.
ये वर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया और इन एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व पार्टिसनशिप. पार्टिसनशिप का क्या मतलब होता है? दे आर होल्डिंग सम पार्ट. वो कुछ एक पॉलिसीज, एक थिंकिंग है जिस पार्ट के लिए वो जाने जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लगाओ, बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी किस लिए जानी जाती है? हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है, राम मंदिर बना रही है, राम राज्य ला रही है. सो व्हेन अ पार्टी इज रिलेटेड टू सम कॉन्सेप्ट, कुछ पर्टिकुलर पार्ट से उसको रिलेट किया जा रहा है, उससे बोला जाता है पार्टिशनशिप. अभी पार्टिशनशिप इंडिया में बहुत ज्यादा है. कोई भी पार्टी हो, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एग्जाम्पल लगाओ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, सो जो भी उनको फेवर कर रहे हैं क्रिटिसाइज, वो किस पार्ट के लिए जाने जाते हैं? बहुत अच्छे उन्होंने स्कूल्स की कंडीशन कर दी है. गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली में इतने अच्छे चल रहे हैं जैसे प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं. सो आम आदमी पार्टी किस लिए जानी जा रही है? फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन. दे आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड दे आर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो वो क्या हुआ? उनका पार्टिसनशिप किसी भी पार्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल पार्ट के लिए, जब हम उसको उस पार्टी से जोड़ देते हैं, उसी वजह से उस पार्टी को जाना जाता है, उसे बोला जाता है पार्टिसनशिप. ठीक है, सो एवरी पार्टी इन्वॉल्व सम पार्टिसनशिप बिकॉज इट इज नोन फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दैट. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इससे पहले सॉरी, आपको तीन कॉम्पोनेंट्स पढ़ने हैं पॉलिटिकल पार्टी की. पॉलिटिकल पार्टी किन से बनी हुई है? देयर आर बेसिकली थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. लीडर्स, सबसे पहले लीडर्स की ही जरूरत है. एक्टिव मेंबर्स एंड देन फॉलोअर्स. फॉलोअर्स के बिना भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है. ये ग्रुप जो बना लोगों का, इन्होंने सोच लिया हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन अगर इनके फॉलोअर्स ही नहीं है जो इन्हें वोट देंगे, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है. जैसे एक सेलिब्रिटी विदाउट इट्स फैंस, वो कुछ भी नहीं है, है ना? तो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी विदाउट इट्स फॉलोअर्स कुछ भी नहीं. सो अ पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री कॉम्पोनेंट्स. एमसीक्यू में पूछूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अ पॉलिटिकल पार्टी हैज बेसिकली थ्री कॉम्पोनेंट्स, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है, अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. इसको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप अपने वर्ड्स में इसे लिख पाओगे, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा बोर्ड में, डेफिनेटली 110%. तो ध्यान से समझो, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पहला फंक्शन, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस. पार्टीज का काम ही क्या, फंक्शन क्या होता है कि वो क्या काम करेंगे? तो पार्टीज क्या लड़ेंगी? इलेक्शन. हमने यही बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप ऑफ पीपल क्यों आते हैं, टू कंटेस्ट इलेक्शंस. तो पहला फंक्शन क्या हो गया? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. इलेक्शन लड़ने के लिए हम कुछ कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, ऐसा थोड़ी है विदाउट कैंडिडेट सिर्फ एक पार्टी को वोट दे के आ जाते हैं, कि कैंडिडेट्स का कुछ नहीं पता, आप वोट दे दो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को, जो जीतेगा फिर बाद में देखेंगे कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं होता ना. पार्टी सेलेक्ट सम कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. अब ये जो कैंडिडेट सेलेक्ट करने का तरीका है, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है. यूएसए में अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट. सपोर्टर्स जो हैं, जो वहां के फॉलोअर्स हैं, उनकी जो पॉपुलर चॉइस होगी वो बताएंगे इसे कैंडिडेट खड़ा करो. मेंबर्स जो है पूरी पॉलिटिकल पार्टी के, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब अपना ओपिनियन देंगे इस आदमी को खड़ा, तब जाके वो पर्सन चूज होता है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. क्या होता है यूएसए में? मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पूरी पार्टी के मेंबर्स और उनके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके ओपिनियन से एक कंटेस्ट इलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट चूज किया जाता है. इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप आम आदमी पार्टी की बात करोगे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,
ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं। बीजेपी की बात करोगे अमित शाह, राजनाथ सिंह, है ना, नरेंद्र मोदी, ये जो है ये डिफरेंट टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं। कांग्रेस की बात करो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, है ना, तो टॉप पार्टी लीडर्स हर जगह होते हैं। तो यूएसए में तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट को कौन चूज करता है? मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ दैट पार्टी। बट इंडिया में जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो चूज करते हैं कि कौन, हम किसको टिकट देंगे। आपको पता है टिकट मिलने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बैठक किसकी बुलाई जाती है? टॉप पार्टी लीडर्स की। और किसको टिकट मिलेगी फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन हो गया इट कंटेस्ट इलेक्शन। सेकेंड, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड ईच वोटर चूज फ्रॉम देम। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इलेक्शन में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, हम उस कैंडिडेट को पर्सनली जानते हैं क्या? हमारा कोई रिश्तेदारी होती है उनसे? नहीं। तो अब हमें कैसे पता कि हमें किस पार्टी को वोट देना है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने डिफरेंट आइडियाज, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स हमें बताती है। पुट फॉरवर्ड करने का मतलब हमारे सामने रखती है कि अगर हम सरकार में आए तो हम इन पॉलिसीज पे काम करेंगे, हम ये योजनाएं लेके आएंगे, देश चलाने के लिए हम ये प्रोग्राम्स रखेंगे। सो अ पार्टी, ये पार्टी का बहुत बड़ा फंक्शन है कि उसे अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लिखनी होंगी और लोगों के सामने रखनी होगी, तभी तो उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से, उन आइडियाज से फिर हम कंपेयर करते हैं और हमें जिस पॉलिटिकल पार्टी के आइडियाज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं उसे हम चूज करते हैं। क्लियर? अ पार्टी पुट फॉरवर्ड इट्स आइडियाज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। मान लो मैं ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हूं, मेरे साथ महेश है, दीपिका है, चिराग है, केशवेंदर है, आरती है, हम पांच सिर्फ मेंबर्स हैं। अब हमें इलेक्शंस लड़ने हैं, अब आप हमें जानते नहीं हो, सो हाउ वी विल चूज अस, कि हम जो है हम एक टीम में हो गए, बाकी एक टीम है, तो हम अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बताएंगे कि आप हमें सरकार में लाओगे तो हम एजुकेशन पे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, हम गरीबों की ऐसे मदद करेंगे, हम विमेन के लिए भी एक्स्ट्रा राइट्स लाएंगे। तो आप, जब हम अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पुट फॉरवर्ड करेंगे तब जाके एक वोटर जो होता है वो चूज करता है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। अब हम लोग चूज क्यों करते हैं, हमें क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि हम पॉलिसीज चूज कर रहे हैं वो सरकार वो करेगी? क्यों? क्योंकि जब एक गवर्नमेंट बनती है, ऐसा नहीं है उसमें सब एक ही पार्टी के लोग होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी भी होती है पार्लियामेंट में, लेकिन हमें क्या पता है कि जो सरकार बनेगी, जो हम जिसको चूज कर रहे हैं, अगर वो सरकार बनती है तो जो पूरा पार्लियामेंट है वो बेसिकली उसी के हिसाब से चलता है, क्योंकि मेजोरिटी उनकी है, मेजोरिटी होगी तो वो लोग अपनी बात मनवा पाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंस दी जाती है, वी नो दैट गवर्नमेंट इज टू बी रन ऑन द लाइंस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो भी रूल कर रही है, जो मेजॉरिटी से जीत के आई है, उसी के हिसाब से सरकार चलेगी पूरी। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि किस पार्टी की क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं, और अगर इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये सरकार में आती है, तो ये किस तरीके से सरकार को चलेगी। ठीक है, अगर हमने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ये वाले चूज कर ली और फिर हम सोचे कि जो ऑपोजिशन है अगर ये गलत काम करेगी तो वो रोक लेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हर बार। कैसे? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है मेजोरिटी में जीत के आई है, अब सरकार तो 5 साल उसी के हिसाब से चलने वाली है। सो वी हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने क्या आइडियाज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पुट फॉरवर्ड किए हैं। थर्ड, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग रूल्स, लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट मेंबर्स, लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर में ऑपोजिशन पार्टी के भी मेंबर्स होते हैं, दूसरी पार्टी के भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स बहुत सारे हैं, सब रूलिंग पार्टी से नहीं, लेकिन मेजोरिटी तो उन्हीं की है। और अगर उनका पर्सनल ओपिनियन चाहे कुछ और भी है, मान लो जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं, महेश, दीपिका, केशविंदर, आरती, चिराग, हम एक ही पार्टी में हैं,
हमारी सोच अलग भी तो हो सकती है, अलग है, लेकिन फिर भी हम एक ही तरीके से काम करेंगे। हमें पॉलिटिकल पार्टी जी ने ले जो रूल बता दिया, जो डिसीजन दे दिया कि हमारी पार्टी इस तरीके से काम करेगी, टॉप पार्टी लीडर्स ने हमें डायरेक्शंस दे दिए, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन चाहे कुछ भी हो हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। सो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल है लॉ मेकिंग, कि रूलिंग पार्टी कहीं है, मेजोरिटी उन्हीं के पास है, उन्हीं के हिसाब से लॉ बनेगा, और चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी में सबके डिफरेंट व्यूज हो, बट द पीपल द पर्संस और द लीडर्स विल वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन गिवन टू देम। जो उन्हें निर्देश दिए गए हैं उसी तरीके से वो काम करते हैं। अब इनके और भी फंक्शंस हैं, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक चैप्टर को रीड कीजिए। ओके, हैव अ वेरी गुड।